नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन रेलवे जो IRCTC होता है वो आपको बहुत सारी फ्री सर्विसेज देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में रेलवे ने जो फ्री सर्विसेज देती है उसके बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक एक टॉपिक को बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या क्या दोस्तों बेनिफिट हमें यात्रियों को मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, विकल्प। विकल्प दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जब आपका टिकट वेटिंग होता है तब दोस्तों आप विकल्प के ऑप्शन को चूज करके किसी भी अल्टरनेटिव ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि दोस्तों आपको किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है और उस ट्रेन में दोस्तों वेटिंग लिस्ट है, तो दोस्तों आप उसमें विकल्प के ऑप्शन पे जब टिक करेंगे तो वहां पे दोस्तों उस स्टेशन से लेकर जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां तक अगर और भी ट्रेनें चलती होंगी तो वह शो होने लगेगी, तो उस पर आपको टिक कर देना है सिंपली। और दोस्तों अगर आपके ट्रेन में जगह नहीं मिली तो दूसरे ट्रेन में अगर सीट खाली है तो दोस्तों आपका दूसरे ट्रेन में भी टिकट कंफर्म हो सकता है। दूसरी सर्विस होती है दोस्तों कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, या दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे आपको सिर्फ एक टिक करना होता है। यहाँ पे दोस्तों जब आप टिक कर देते हैं तो आपका अगर टिकट दोस्तों वेटिंग लिस्ट में होता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका टिकट आपने बुक किया किसी ट्रेन का और वह टिकट वेटिंग लिस्ट है और आपने दोस्तों कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन वाले आइकन पे टैप किया हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो स्लीपर का वेटिंग टिकट है वह आपका थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी में भी कन्फर्म होने के चांस रहते हैं, और बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा लिए उसी पैसे में दोस्तों आपको एसी में सफर करने का मौका मिल जाता है। अब दोस्तों तीसरी फ्री सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ कि जो दोस्तों 45 प्लस लेडीज हैं और जो अकेले जाना चाहती हैं तो उनके लिए दोस्तों हमेशा लोअर बर्थ मिलता है और दोस्तों वह हमेशा कंफर्म सीट मिलती है। और दोस्तों चौथी जो फ्री सर्विस होती है वो सीनियर सिटीजन के लिए होती है। इसमें दोस्तों दो छूट मिलती थी पहले सीनियर सिटीजन के लिए, एक तो दोस्तों उनका किराया आधा लगता था और दूसरा दोस्तों उनको हमेशा लोअर बर्थ मिलती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किराए में अभी आपको छूट नहीं मिल रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि कोरोना के पहले क्या होता था कि सीनियर सिटीजन को कंफर्म सीट और कंसेशन के साथ में मिलता था, लेकिन अभी कंसेशन तो नहीं मिल रहा है लेकिन दोस्तों खाली सीट मिल जा रही है। और अगली जो दोस्तों सुविधा है जो रेलवे देता है वह लेडीज के लिए ही है। उसमें दोस्तों लेडीज की एज कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है। उसके लिए दोस्तों 6 सीटें हमेशा लेडीज कोटा में रखी जाती है। जैसा कि दोस्तों आप लेडीज कोटा में जब क्लिक करते हैं वहां पे दोस्तों टिकट बुक करने जाते हैं तो वहां पे लेडीज के लिए 6 सीट मिलता ही मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी उसको दोस्तों रेलवे अपग्रेड करने जा रहा है, तो वहां पे पहले क्या होता था कि पूरे जर्नी के दौरान आपको 6 सीटें देखने को मिलती थी, लेकिन अब दोस्तों क्या है कि हर एक बोगी में लेडीज के लिए 6 सीट रिजर्व रहेगी, मतलब कि लेडीज ही बुक कर सकती है उस सीट को, कोई जेंट्स नहीं जा सकता। और अगली जो दोस्तों सुविधा देता है इंडियन रेलवे की, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया और आपकी ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से छूट गई, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आप उस टिकट को कैंसिल नहीं करवा सकते, और अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते भी हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको TDR फाइल करनी होती है, और TDR फाइल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है TDR फाइल के ऊपर और मैंने बहुत ही बारीकी से बताया हुआ है। अगर आपको दोस्तों TDR फाइल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस वाले सेक्शन में जा करके मेरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो दोस्तों TDR फाइल अगर आप करते हैं, मान लीजिए आपका यात्रा करने का मन नहीं हुआ मेन टाइम पे, और या दोस्तों आपकी ट्रेन लेट है या कुछ भी रीजन है दोस्तों, तो आपको दोस्तों पूरा का पूरा रिफंड मिल सकता है जब आप दोस्तों TDR फाइल करते हैं। और वह TDR फाइल 100% सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपकी ट्रेन जो है सही टाइम पे और आपने उसमें डाल दिया कि मेरी ट्रेन लेट है इसलिए मैं यात्रा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये तो दोस्तों गलत हो गया। आपको सही सही फिल करना है और वह टिकट रेलवे द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप सही पाए जाते हो तब दोस्तों TDR फाइल करने पर आपको फुल रिफंड मिल जाता है। और अगला सुविधा जो है दोस्तों वह देता है इंडियन रेलवे हाफ टिकट का। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों 12 साल या 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका जो है हाफ टिकट लगता है, तो इसमें भी दोस्तों आपको ऑप्शन देता है रेलवे कि आपको सीट लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप सीट लेंगे तो वह बच्चा जो है फुल माना जाएगा, आपको फुल फेयर देना पड़ेगा, और अगर हाफ टिकट लेते हैं तो उसको सीट तो नहीं मिलेगी लेकिन उसका आधा किराया ही लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी सुविधाएं इंडियन रेलवे की आपको पसंद आई होंगी, या दोस्तों आपको नहीं पसंद आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे दोस्तों और भी सारे लोगों को पता चल सके इन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।